Salam everyone, Eid Mubarak to you all. Welcome back to my channel Full Spoon. So for today's this special recipe is sunahri boti. आप इसको ज़रूर try कीजिएगा, बहुत ही convenient फ्रेम में और बहुत ही मज़ेदार बनती है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 kg beef ले लिया है. अगर आप चाहें आप इसको मटन में बना सकते हैं. मैंने इसको ऐसे क्यूब्स में काट लिया है. मैंने इसका साइज़ छोटा रखा है. अगर आप चाहें आप इसको मीडियम साइज़ में भी काट सकते हैं. ठीक है, बहुत ही कम मसालों में बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाता है. आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा. ठीक है, तो मसाले इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही कम मसालों में बना है ये. तो इसके लिए मैं चाहिए होगा नमक टू टेस्ट और गार्लिक पेस्ट लिया मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून और रेड चिली फ्लेक्स भी 2 टीस्पून. एंड दैट्स इट व्हाट वी नीड फॉर दिस. सो चलते हैं इसको जल्दी से बनाते हैं. तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कुकर. अगर आप चाहें आप इसको पतीले में बना सकते हैं. फ़र्क ये होता है कि कुकर में ये 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, लेकिन पतीले में आपके ये आधा घंटा तो आपका ले ही लेगा. तो मैंने इसको डाल दिया है कुकर के अंदर और सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर, जैसे कि गार्लिक पेस्ट हो गया, सॉरी जिंजर पेस्ट हो गया और नमक हो गया, रेड चिली पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स. सब चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको मैं कर लूँगी मिक्स. अच्छे से इसको मिक्स कर लें और फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 कप पानी. पानी डाल के इसको मिक्स कर लें अच्छे से. और फिर मैं रख दूँगी इसको स्टोव पर, इसके लिए ढककर मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से पक जाए, गल जाए. ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे तरीके से गल चुका है. इसको हम दे देंगे हल्का सा मिक्स और ये तैयार है. इसको साइड पर निकाल के रख देते हैं. तो यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ तेल. बहुत आसानी से बन जाती है. अगर आप चाहें आप इसको गला कर स्टोर करके रख सकते हैं. मेहमानों के आने पर आप इसको फ्राई करें और उनको उनके आगे पेश करें. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर जब तेल गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर हमारा जो बीफ था हमने वो डाल दिया है इसके अंदर. मीडियम टू लो फ्लेम हीट के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है. इतना फ्राई नहीं करना कि ये बिल्कुल ही ब्लैक हो जाए, इतना करना है कि इसका कलर जो है हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए. ठीक है, और सुनहरा रंग होने तक हमें इसको जो है फ्राई करना है अच्छे से. और अगर तेज़ आँच पर करेंगे तो फिर ये बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से सही से नहीं पकेगा. ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है. ठीक है ना, तो देख सकते हैं इसका रंग जो है गोल्डनिश ब्राउन हो चुका है, यानी कि सुनहरा रंग हो चुका है इसका, अच्छे से फ्राई यानी कि ये हो चुका है. तो अब हम इसको प्लेट में साइड करके रख लेंगे. ठीक है ना, आप इसका सारा जो एक्सेस ऑयल होगा वो आप इसको कढ़ाई में ही निकाल देगा और बीफ के जो पीसेस होंगे आप अलग निकाल लीजिए उसको. तो बस ये मज़ेदार सा हमारा जो सुनहरी बोटी है वो तैयार है. हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे अच्छे से. ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेहमानों ईद में. ये मेहमानों को देने के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है और बिलीव मी इट्स रियली टेस्टी. ठीक है, आप इसको किसी भी अच्छे सॉस के साथ रख सकते हैं. मैं इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा बन जाता है ये. और लेमन स्क्वीज़ करने के बाद हम इसके अंदर इसके ऊपर डाल देंगे चाट मसाला. बहुत ही झटपट सा मज़ेदार सा तैयार हो जाता है ये. ठीक है, तो देखिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चाट मसाला और हमारा ये जो सुनहरी बोटी है ये बिल्कुल रेडी है. ये देखिए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बकरीद के लिए ये बेस्ट रेसिपी है. तो अगर आपको ये पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अल्लाह हाफिज़.